सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रॉयल राजपूताना किचन को और इस घंटे बटन को दबाइए हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो एवरीवन, सो हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू द रॉयल राजपूताना किचन। सो आज हम बनाने जा रहे हैं मैगी मोमोज। ये बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे मैदा, और फिर हम लोग लेंगे नमक, और फिर लेंगे हम लोग ऑयल। तो आइए बनाने स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग एक परात लेंगे, उसमें हम लोग सबसे पहले मैदा डाल देते हैं। मैदा डाल देने के बाद इसमें हम लोग नमक डाल देंगे। एक छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं, और फिर उसके बाद में हम लोग इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, लगभग आधी छोटी चम्मच के लगभग। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम लोगों ने इसे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेंगे और इससे इसका आटा लगा करके रेडी कर देंगे। तो पानी ना तो आपको ज़्यादा गर्म लेना है, ना ही ठंडा लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर में आपको पानी लेना है। सो अब हम लोग सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले पानी डाल देते हैं। तो पानी डालने के बाद में पानी को हल्का उबलने देते हैं। हमारा जो पानी है वो उबल करके रेडी हो गया है। अब हम लोग इसमें हमारी जो मैगी है वो डाल देंगे। तो देखिए, तोड़ के डालना है इसको। और एक और चीज़ है कि अभी इसमें हम लोग मसाला नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें एक बार इसे उबालना है, फिर इसे हमें स्ट्रेन करना है। तो 5 मिनट के लिए इसे उबलने देते हैं। सो इसे हम लोगों ने 80% तक उबाल लिया है। अब हम लोग इसका पानी जो है, खैर इतना पानी नहीं है इसमें, फिर भी जितना भी है उसे स्ट्रेन कर देंगे, फिर हम इसके स्टफिंग रेडी करेंगे। सो एक एडवाइस मैं आपको देना चाहती हूँ, जब भी आप मैगी बनाएं, नॉर्मल मैगी भी बनाएं, तो आप एक बार उसे उबाल लें और फिर इसका ये जो पानी हो जाता है, जो वाइट वाइट हो जाता है, इसे फेंक दें, क्योंकि इसमें बहुत ही हार्श केमिकल आता है जो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए पहले उबालें, फिर इसका ये वाइट वाइट हिस्सा फेंक दें, फिर उसके बाद में आप इसमें वापस पका सकते हैं। तो अभी हम इसे पकाएंगे नहीं, इसमें स्ट्रेन करके और इसमें मसाला ऐड करेंगे। सो इसे हम लोगों ने इस तरीके से स्ट्रेन कर लिया है। एक छलनी डालें, नीचे एक बाउल रखें, और उसके बाद में इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लें। तो ये रेडी हो गया है हमारा। अब हम लोग इसमें मसाला ऐड करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक पैकेट मैगी मसाले का ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसमें कटे हुए प्याज टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, बट सिंपल मोमोज बनाने के लिए इतना काफ़ी होगा। अब हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक आटे की ऐसी लोई टाइप, मतलब छोटी सी गोली टाइप लेंगे, और उसको तो हल्के से सूखे आटे में डिप करेंगे, और फिर उसके बाद में इसको पतला बिल्कुल बेल लेंगे। इस तरीके से बिल्कुल पतला आपको इसको बेलना है। ये प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी जब पनीर मोमोज और वेज मोमोज की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर की थी, तब मैंने वो प्रोसीजर आपको बताया था। एंड स्क्रीन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा, ओके? और इसके साथ सर्व की जाने वाली चटनी की रेसिपी भी हमने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी है। अब हम लोग इसमें स्टफिंग के रूप में जो हमने मैगी बनाई थी वो भर देंगे, और फिर इसकी प्लेट्स बनाएंगे। इस तरीके से आपको फोल्ड करते करते और फिर इसकी प्लेट्स बनानी है। इसके 2-3 प्रोसीजर मैंने उन वीडियोस में आप सभी के साथ शेयर किए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये हम लोगों ने स्टीमर में रख दिए हैं सारे मोमोज, और लगभग 15 से 20 मिनट के लिए हम इन्हें पकाएंगे। ये हमारे जो मोमोज हैं वो बन करके रेडी हो गए हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।